चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस ऑन अ रफ फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज म्यू. व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली द ब्लॉक पुल हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लोर. व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा. तो सबसे पहले एक लिफ्ट हम बनाते हैं, ये हमने लिफ्ट बना दिया, ये एक ब्लॉक बना दिया जिसका मास एम है. और अगर फोर्स आप इधर लगा के हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा. अब ये लिफ्ट फ्रीली मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो अर्थ इसको खींचेगी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के एम इंटू जी. और एक्सेलेरेशन अगर नीचे की तरफ है लिफ्ट का तो ऑब्वियस सी बात है सूडो फोर्स ऊपर लगेगा. सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ जी माइनस एफ पी. एफ जी की वैल्यू है एम इंटू जी, एफ पी की वैल्यू क्या होती है एम इंटू ए. तो m कॉमन ले लें तो g माइनस ए होता है. तो f नेट की ये वैल्यू आ गई. f नेट में अब ध्यान रखना है आपको कि बॉडी जो है ये लिफ्ट जो है फ्रीली मूव कर रही है नीचे की तरफ. ठीक है, ये देखो यहां लिखा हुआ है, करेक्ट है, फॉल फ्रीली. फॉल फ्रीली का मतलब है a इज इक्वल टू g के इक्वल होगा. तो यहां पर एक ही जगह g पुट करेंगे तो g कट जाएगा और नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा. ये f नेट जो होता है f3 या कहें तो F2 के इक्वल होता है और इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं F नेट. तो फ्रिक्शनल फोर्स में N इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है और म्यू क्या होता है नॉर्मल. आप ये जानते हैं कि म्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और अगर मोशन में ऑब्जेक्ट आ चुका है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. तो अगर मैं कहूं कि मोशन में ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा. तो n की वैल्यू अगर जीरो है तो म्यू के की वैल्यू कुछ भी होती रहे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो एफ के इज इक्वल टू जीरो, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी. इस केस में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नन ऑफ दीज. जीरो दिया नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये आंसर अप्रोप्रिएट.